आज के इस जलसे के सदर मोहतरम साथी निहाल अहमद साहब के छोटे भाई इकबाल हजरत मंच में बैठे हुए हमारे और आपके उम्मीदवार आसिफ शेख साहब, मंच में बैठे हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड के कांग्रेस पार्टी के तमाम ही जिम्मेदार, हमारे मुस्लिम लीग के हमारे भाई इश्तियाक अहमद निहाल अहमद साहब भी तशरीफ लाए स्टेज के ऊपर, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। मुस्लिम लीग के सदर समीर अंसारी साहब, राष्ट्रवादी के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हमारे सलीम रिजवी साहब, कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार और जैनू भाई समाजवादी के सदर मोहतरम, मंच में बैठे हुए सभी कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर, सामने बैठे होंगे कई भी हमारे दोस्त साथी कारपोरेटर साबिक, पीछे छोटे की मार्केट तक खड़े हुए हमारे सभी नौजवान साथी बुजुर्ग हजरात, इधर भी सभी हमारे नूरानी मस्जिद तक खड़े हुए साथी, सामने मुंशी बाबा की दरगाह के पास तक खड़े हुए नौजवान साथी बुजुर्ग हजरात और तमाम मेरी मां बहने, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत लंबा चौड़ा भाषण करना नहीं है क्योंकि असल में बाकी का वक्त हमारे उम्मीदवार को देना है। बात है, मुझे पहले 10 साल बहुत सुने आप लोगों ने और असल में अब आसिफ भाई का और नौजवानों का वक्त है और जवानों का भी वक्त है। ये अलग बात है कि सियासत में रिटायरमेंट नहीं होता, लेकिन मैं खास तौर से असल में वो बात भूल ना जाऊं। असल में सामने वालों को बहुत बौखलाहट है, जहां भी स्टेज लगाते हैं एकदम नीचे उतर के बोलते हैं, जबान को जरा भी लगाम नहीं है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आसिफ भाई, मेरा ऐसा ख्याल है और तमाम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे कार्यकर्ता, हमारे तमाम वक्ता, तमाम जिम्मेदार मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके स्टेज के ऊपर भी हमारे लिए थोड़ी मेहनत हो रही है, हाँ ना, हो रही है ना, कैसे हो रही है? कोई हमको चोर बोल रहा है, कोई हमको लुटेरा बोल रहा है, अरे यहां तक के आसिफ भाई की अम्मा को भी डाकन बोल दिया गया, बोलो तो बताओ कितने अरे जलील हरकत इनके स्टेज से हो रही है। अब उनकी हरकत क्या है, मेरा ख्याल आज मुक्ति से वह रो रहे होंगे जितवाई रोड के ऊपर, हमदर्दी जीतने के लिए, हमदर्दी आपकी हासिल करने के लिए। लेकिन असल में जिससे अल्लाह खुश रहता है उसका बेड़ा पार हो गया है। इससे जरूर अल्लाह खुश था एक जमाने में, लेकिन उन्होंने रास्ता बदल दिए। अभी उनकी प्लानिंग क्या है मालूम है? सब लोग ख्याल से सुनो, कार्यकर्ता से लेके पार्टी के जिम्मेदार हजरात, असल में इनकी प्लानिंग है और पुलिस भी इस बात को नोट करे, हारता क्या नहीं करता, वो अपने आप को अपने हाथ से कोई घाव मार लेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं का नाम बदनाम करेंगे। आज रात को बोलो, कल दिन में बोलो, पुलिंग के दिन बोलो, अपने अपने हाथ से उनके उनके वर्कर मार लेंगे और आप लोगों के नाम से कंप्लेन भी होगी और पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा जाएगा।
आज पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, अगर हमारे डीएसपी साहब, एडीसी साहब, पांचों पुलिस स्टेशन के पीआई साहब अगर सुन रहे होंगे, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि वो सभी के पीछे एक एक पुलिस आपके लगा दो जरा सादे ड्रेस में, क्योंकि उनकी गारंटी है। एक आलिम अगर बिगड़ गया तो जाहिर सी बात है उसके साथ में जितने भी वो बड़े पाखंडी है, तो उनको बिगड़ने की क्या बात है, तो खुद ही बिगड़े हुए हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ना जाने मेरे समझ में नहीं आता है। हमारे स्टेज के ऊपर जैसे आलिम लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं ना, मेरी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हमारे सभी किराना बोलो या और हमारे साथी बोलो, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि किसी को अपनी बात बुरी ना लग जाए, ऐसी कोई बात अपने स्टेज से ना बोले। अब बताओ, एक मुक्ति, एक आलिम, उनके सामने उनके कारिंदे स्टेज के ऊपर बैठ के बुरी बनी बातें बोलते हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे को इतनी जरूरत नहीं होती कि यार कम से कम ऐसी बातें मत किया करो। मेरा ख्याल है उसको शर्म ही नहीं आती, अच्छी बातें बोलते रहो, खुशी होती होगी शायद, अजीब बात है। लुटेरे उनके स्टेज के ऊपर बैठे, बदनाम हमारे लोग को किया जाता है। अरे भैया काम बताओ, काम 5 साल में तुमने क्या काम शहर के अंदर दिया, एक काम तो बताओ। बार बार हमारी साथी पूछ रहे हैं, बार बार हमारे साथी पूछ रहे हैं, अरे बुराइयां गिनाना छोड़ो, तुमने क्या क्या काम किया वो बतलाओ। तुम तो अजीब बात है, अगर आसिफ भाई ने उर्दू घर लाया तो बोले वो लेटर मैंने दिया था। अगर मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम हारून अहमद अंसारी साहब के नाम से दवाखाने की शुरुआत हुई, डबल मंजिला बन रहा है 30 बेड का, तो बोले वो भी लेटर मैंने दिया था। अजीब बात है, 11,000 खोली अगर बन रही तो बोले वो भी लेटर मैंने दिया था। सिविल हॉस्पिटल बना तो बोले सोनिया गांधी को मैंने बोला था, हॉस्पिटल बन गया। अरे आलिम है क्या झुट्टों का बाजार है, अजीब बात है सर। अब 2007 में अंदर कौन था भाइयों, अजीब बात है। लेकिन वो आमदार नहीं रहते हुए, जब वो तीसरा महाज भी बना नहीं था, लेटर इन्होंने दे दिए, सोनिया गांधी से मिल मिलिए, इतना झूठा आदमी तो मैंने ऐसा झूठा आलिम देखा ही नहीं भाई। अरे वो हिंदू भाई नाम रखते हैं, बोले तुम्हारा धर्म गुरु ऐसा कैसा है, बोले जब देखो पैसे की बात करता है। बोले जब मैं इलेक्शन हार रहा था खयाबान हिसाब के ऊपर मैंने बोला था, तो लोगों को बात शायद वो उस वक्त तो मेरी झूठ लगी थी। हकीकत में दोस्तों वो बात भी सही थी, और मेरी अहिया को महापुर बढ़ाने के टाइम एक खोखा भाई खोखा दिया था, वो भी उतनी ही सच है। ये इंसान को पैसे के बिगैर चलता ही नहीं। और सही बात बताओ, मैं 10 साल आमदार, आसिफ भाई महापौर, मैं महापौर, मेरी मिसेस महापौर, प्रेसिडेंट रहा, इतना बड़ा इनका कार्यालय जो घर के सामने खरीदा गया, एक भी है क्या मेरे पास? हमारे पास कुछ नहीं है, ये 25 साल आमदार है, करोड़ों की दौलत आ गई तेरी कहां से आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक किया उठाते पैसे निकलते। क्या मौकिल पैसे ले आके दे देते इनको, अजीब बात है यार। तो जनाब जितने भी इनके साथ बैठे सब साथी पार्टी के लोग, बहुत जूने भी है, नए भी है,
इससे मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर तुमने अपने दौरे इक्तदार में चाहे महापुर जितने तुम्हारे हुए या फिर तुम्हारी हमदर्दी का, मौलाना ने तो कई टाइम आपसे ऐलान किया, पूछा कि कई तुम्हारे फंड से संडास बना दिया कि वो तो बताओ, लेकिन एक काम इनके पास है ही नहीं, इसलिए इनके पास कोई काम ही नहीं है तो क्या बताएंगे, सारी बुराई। अब क्या कर रहे, कुछ काम नहीं है तो लेटर दे दिए जाके एसपी साहब को बरात दो, बोले खलील भाई को, जलील भाई को, फला भाई को तड़ी मार करो, बोले पका अब ये भी कोई काम है। अरे के खलील भाई के पास एक भी केस है, मालूम भी नहीं है तुम्हारे को। अच्छा हमारे में अगर है भी तो शासी केसेस है, शेख रसीद बोल रहे हैं। आप किसको डरा रहे तुम तड़ी पार से? अबे भैया मैं तो दो टाइम तड़ी पार हुआ था जमाने में, तो क्या डर लगती है हमको? अरे कौम के लिए तड़ी पार भी होने के लिए तैयार है, तुम्हारे ऐसा पुलिस का डंडा पड़ा गली से भागने का काम हमारा नहीं है, ऐसा कैसे हाली में मेरे समझ में नहीं आता। अरे अगर सही मानो में सच्चा आलिम होता तो पुलिस से डट के बात करता, हजारों लोग तेरे पीछे खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा भगोड़ा आलिम, एक भी आलिम ऐसा मैंने मालिकों के अंदर मेरी जिंदगी के अंदर नहीं देखा भाइयों। जितने आलिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में हुए बड़े बड़े, ये शहर ने हमेशा उनकी इज्जत किया, हयाती में भी किया और उसके बाद दुनिया से चले जाने के बाद भी आज भी इज्जत करते हैं सब लोग। क्या बोला गया, एक जलसे वाले ने बोला था पिछले टाइम में कि हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती लड़कियां लड़कियों का मदरसा बनाने के लिए। अब क्या वली सिफत मौलवी उस्मान साहब से बड़े आलिम है क्या ये? अरे दुनिया की हमारी बहनें आके यहाँ पे तालीम हासिल करती है, लेकिन असल में इनको दुखरा था कहीं बता रहे थे कहीं, असल में इनका मकसद था सब तुम हट जाओ, मुझे वहां का मुखिया बना दो, फिर माल आते रहेगा मेरे पास, क्योंकि ये जिस ढंग से हमारे आज के लोग रोज मदरसे को चला रहे हैं, एक नए पैसे का दाग बता दो, एक नए पैसे कोई दाग नहीं बता सकता, लेकिन इसकी नियत खराब है ना, तो तुम लोग बोलते मैं तो क्या बोलूं उसके यार, आंधे बाबा बोलते तुम लोग, जामू बाबा बोलते उसको, अभी दो दिन बाकी है इनके ऊपर भी तीन जामू बैठे थे, तीन जामू बैठे थे, पहले इधर फिर उधर, अभी दो दिन देखना तुम क्या होने वाला है, बहुत एकदम अभी से चिड़ाचिड़ी चल रही है। कल एक वीडियो देखा मैंने एक भतीजे की, तुम लोग ने भी शायद देखे गाड़ी करो दे रहे एक भतीजा, असल में सामने के उम्मीदवार की जमीन नहीं कर सक रहे, इनकी भी खतक जा रही साथ में। क्या क्या बोलता है यार भैया, असल में आसिफ से क्यों तकलीफ होती है मालूम है, ये हजरत मेरे से भी सीरियर है म्यूनसिपल्टी में, लेकिन जब आसिफ में घुट्टी टोकते ना तो चिलबिला जाते, इसके लिए सोचते कि आसिफ में आ रही, आसिफ भले ही जूनियर है लेकिन सीनियर को उठा के रख ही देता हूं, इसके लिए तो कर लगी रहती, बोले वो शेख रसीद शेख साहब अच्छे है, बोले आसी बच्चे ने असल में मैं लीडरी बताता नहीं, वो लीडरी बताता नहीं, बस आपके लीडरी ऐसी जो रहा भैया, मैं असल में भूला पड़ जाता मेरे ख्याल, काम करने वाला भी होना लीडरी जानने और समझने वाला भी होना, मैंने सही मानो में कभी लीडरी बताए, कोई भी आया तो क्या रे भैया
फुल पट्टे मेरी आदत में रही, मोहब्बत से सब कुछ उसका दिल जीतने का मेरी आदत है। अब इन्होंने तो ऐसा है जिससे काम निकला तो उसके ऊपर ही अस्थि चढ़ाने लगते है ना। म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन में चुनकर आए होंगे लोग, ठीक है हार जीत होते रहती, हमारा कभी सुने क्या, हार जीत होते रहती, इलेक्शन है। लेकिन यहां तो हार जाते डॉक्टर के सामने पूरे इस्लामाबाद को परेशान करके रख दिया। किले के लोगों के साथ वसूली, इस्लामाबाद के लोगों के साथ वसूली, अरे झिगड़ा नहीं है तो लड़ा काई को। लुटाना नहीं आता, अजीब बात है। लेकिन उसके बाद भी देखो कितना जल्दी जल्दी लुटते हैं। भतीजा कहीं बोल रहा था, बोले मेरे चाचा की 5,000 का ड्रेस रहता, अबे मैं आपको 12,000 का भी ड्रेस रहते हो क्या मालूम है। मेरे बेटे जो है छह बेटे है ना, पर तुम चाहने वाले कुछ भी ला के दे थे, ये घड़ी भी तुम्हारी दिए नहीं। उसको मालूम है 1,25,000 की घड़ी एक चाहने वाले ला के दिया। बेटा ऐसा रखना पड़ता सम्मान, अब हमारे कपड़े हमारी घड़ी सब दिखेगी तुम्हारी। अरे उन लोगों को तो मालूम भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो बिल्डिंग दिख रहे ना, कहां से लाइए? तुम्हारा अभी जो उम्मीदवार है उसने कहां से लाया, तुमने कहां से लाया? और एक को तो ऐसा हुआ घर बैठे सब मिल गए, मेरे भाई बैठे स्टेज के ऊपर। नक्टा भी है और कैसा कैसा कलर भी है, पूरा हत्या लिया। पहला ठीक है, मैंने एक बात जो शुरुआत में बोला कि आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जोश में आने की जरूरत नहीं है कोई भी कार्यकर्ता, वो पुलिस देख लेंगे अगर वो बिना वजह कोई हरकत करेंगे तो। हमसे और तुमसे कोई हरकत कहीं भी नहीं होना चाहिए, कोई अगर एक फैट इधर मारता तो दूसरी में दे दो। 6 बजे पेटी मत होगी, सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपना भी ठंडा उनका भी ठंडा। कभी उसका जवाब मत देना, वक्त तो आते रहता है, आएगा ना, तो बस सब कुछ तुम्हारे हक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शायद तुम्हारे को हर हाल में नवाजना चाहता है। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआ, ये माँ बहनों की दुआएं, आसिफ भाई और हम और हमारे पूरे जिम्मेदार और आप लोग खुद काम की बुनियाद के ऊपर वोट मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, हमारे काम हमारे लीडरों के काम जमीन पे है या नहीं, बस सिर्फ आपको आने वाले वक्तों के अंदर हर शहर के अंदर विकास डेवलप होना चाहिए। हमारे नौजवानों के लिए जो स्कूल पढ़ रहे, जो कॉलेज पढ़ रहे, जो बेटियां हमारी कॉलेज पढ़ रही, उनके लिए आसिफ भाई का वादा है कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और कोशिश की जाए तो सब कुछ होता है। अब हमको बोलते हैं और उनके स्टेज के ऊपर सब पढ़े लिखे जाहिल है, अगर पढ़े लिखे जाहिल नहीं होते तो इतनी बुरी बुरी बात बोलते क्यों? अब अगर मैं ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे को इतनी सलाहियत दे दिया ना कि मेरे को मोबाइल शो करने की जरूरत भी नहीं रहती, सब नंबर याद रहते कि नहीं, सब शेर खान सब नंबर याद रहते हैं, शो करते ही नहीं मैं तो तुम मेरे सामने फेले कि नहीं तो मेरे सामने बता रहे एक नंबर किसका याद है। बहरहाल दोस्तों यही अपील करूंगा, हो सकता है जरा 5-10 मिनट आगे बढ़ जाएंगी, तक मेरी नहीं उम्मीदवार की, शायद हो सकता है समझ लेंगे।
क्योंकि वो भी उधर से आदत से बात नहीं आने वाले पीछे से। बहरहाल 21 अक्टूबर को एक नंबर बटन दबा के भारी अक्सरियत से आपको देना भी है, दिलाना भी है, साथ साथ में किसी भी हालत में हर किसी ने वोट देना, किसी भी हालत में आप लोगों ने वोट देना भी और दिलाना भी। शुक्रिया, आप लोग भी सुने। कुछ दिन मैं निहाल साहब के साथ भी रहा हूं। एक बार निहाल साहब कहने लगे कि चार बुजुर्ग मेरे पास आए, बोले निहाल साहब एक गुजारिश लेकर आए। बोले बोलो। बोले हमारी गुजारिश यह है कि आप सियासत से किनारा कश हो जाए और अल्लाह अल्लाह करने लगे। निहाल साहब ने घूर कर उनको देखा। अबे बोले बेवकूफो, जो अल्लाह अल्लाह कर रहा था उसको तुम लोग सियासत में लेकर आगे छोड़ा। और मेरे को बोल रहे हैं अल्लाह अल्लाह करो जाके। अबे अक्ल है कि नहीं तुम लोगों को? बहुत आदिर जवाब थे वो। सही है भाई, जिसका काम वो करे। मेरे को बोले कि तू सभी जेड की जगह ले। बोलो मैं कहे बोलूंगा, मेरी फितरत में नहीं है, मेरा नहीं बैठता ये सब, ये मेरा काम नहीं है सियासत। भाई जिसका काम है वो करे, तुम्हारा काम है तुम करो, मेरा काम मैं करूंगा, उनका काम वो करे। हर शख्स की एक लाइन बनी हुई है। हर साथ जो अपनी लाइन से जब कटता है वो लफड़ा वही होता है। उसकी एक मिसाल और देता हूं आपको। मुल्ला नसीरुद्दीन के वालिद एक कुमार थे, उनके पास एक गधा था एक घोड़ा था। गधे का काम यह था कि वो दिन भर गोल गोल घूम के मट्टी कचलता था, और घोड़े का काम यह था कि वो बर्तन लाद के बाजार ले जाते थे, उसको बेचते थे। एक दफे घोड़ा बीमार पड़ गया, उन्होंने बेटे को साथ लिया और गधे में सारा सामान मिट्टी की सुराई मटकी वगैरह लाद के चले बाजार बेचने। अब वो रास्ते में खड्डा आया, गधा गिर पड़ा, सारे बर्तन टूट गए। अब वो कुमार जो थे गुस्से में लकड़ी से मारने लगे, तो उनके लड़के मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनका हाथ रोक लिया। बोले अब्बा गलती गधे की नहीं है, गलती हमारी है। हमने गधे से वो काम लेना चाहा जो उसके बस का नहीं था। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो माफ करना। एक मदरसा नहीं चला पाया जो शख्स, एक मदरसा ठीक ढंग से जो शख्स नहीं चला, हमने पूरे गांव की जिम्मेदारी उसके ऊपर दे दी। तो यही होगा। पिछले इलेक्शन में जब शेख आसिफ उम्मीदवार थे तो मैं और इकबाल गाजी बंबई गए, खास तौर से अबू आसिम साहब से मिले उनकी ऑफिस में। उन्होंने बुलाया, बहुत इज्जत दी, बैठाए। हमने कहा कि हमने अपना तारुफ कराया, वो पहचानते थे। मैंने कहा कि अबू आसिम साहब हमारे इधर से शेख आसिफ खड़ा हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने फौरन क्या कहा मालूम है? ये लड़के से मुझे बहुत उम्मीद है, ये लड़का कौम को कुछ ना कुछ देगा। ये अबू आसिम आदमी ने मुझे कहा। तो मैंने बोला अबू आसिम साहब, अगर जहां पर आपको इस लड़के से इतनी उम्मीद है तो अब एक काम करो, आप उसका साथ दो। तो बोले कैसे? बोले आप अपना उम्मीदवार मत दो और बल्कि उसका फेवर करो। बोले बिल्कुल आमीन भाई, मैं आपकी बात पे गौर करूंगा और मजबूत तरीके से सोचूंगा। आज अरशद मदनी साहब, उनकी शख्सियत में, उनकी इज्जत में और किसी को कोई शक और शुबा है क्या भाई? गुलजार आजमी साहब, अबू आसिम साहब, जितेंद्र अहवाल साहब, ये सब मिलके खुले तौर पे शेख आसिफ का फेवर करने, कुछ तो बात होगी, उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना यार। और तुम्हारी मुखालफत क्यों कर रहे हैं ये भी तो सोचो यार। तुम अभी तुम वो निकाले हो, वो उनका मैनिफेस्टो आया है, यकीन मानो मैं पढ़ने की भी तबीयत नहीं हो रही थी। पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाएगा, इतना काम का वादा कर रहे हो। एक
संडास नहीं बनाए, एक संडास। और 70-80 काम तो वादा कर रहे हैं, भरोसा कोई कैसे करेगा यार भैया? भरोसा मत करो इनको, इनकी ताकत से ज्यादा कोई होदा मत दो, इनको जाए उनकी जगह लेके जाओ, यही वे शहर की भलाई है। एक नंबर, एक नंबर, सिर्फ एक नंबर मेरे आपसे गुजारिश है, सिर्फ एक नंबर की बटन दबाओ, आसिफ शेख को चुन के लाओ, ये सही हकदार है। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं।